Hello and assalamu alaikum, my Naati CCL Urdu students. This is Nida from CECA platform. मैं नाटी उर्दू की क्लासेस एवरी संडे 11 से 1 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं. इफ यू वांट टू जॉइन प्लीज यू कैन कम इन द क्लास एंड लिंक्स कैन बी प्रोवाइडेड टू यू. अगर आपको नाटी उर्दू CCL की क्लासेस लाइव ज्वाइन करनी है तो आप हमारा लिंक फॉलो करें एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी इन क्लास एवरी संडे 11 से 1. CECA is not only providing Naati free CCL classes, but there are the lot services which are provided at free of cost, which includes free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and obviously for visitors, free 485 visa application, free PT and IELTS, and free Naati classes in four languages. Hindi, Punjabi, Urdu, and Nepali. If you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, we have the free consultation services for that. Agar aapko apna college change karna hai, course change karna hai, which can lead you towards PR pathway in Australia and in Canada, yes, you can come at CECA for any query related to your visa application or migration. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रिलेटेड कोई भी इमिग्रेशन की क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू ईमेल, फोन, यू कैन विजिट आवर ऑफिस फिजिकली एंड यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू फेसबुक और मैसेंजर. ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड एट CECA. आई होप कि अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं. ओके, नाउ कम टू द CECL Naati Urdu टेस्ट. अगेन आई विल एक्सप्लेन ऑल द स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर कैसा है नाटी का टेस्ट और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. ऑलराइट, ओके, तो स्ट्रक्चर इसका ये है कि इसमें दो डायलॉग्स होते हैं, नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट. कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा कोई डायलॉग होगा. अराउंड 300 to 350 वर्ड्स ऑफ ईच डायलॉग. टॉपिक्स वही कॉमन हमारे जो यूज होते हैं. आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आप यही समझें कि ये एक ऐसी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के दरमियान. जैसे ही आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना एक हाउस रेंट पे लेना है तो क्या प्रोसीजर होगा, आप रियल इस्टेट के पास जाएंगे, क्या आपके क्वेश्चंस होंगे एंड व्हाट विल बी द आंसर्स. तो ये सब हकीकत पे मबनी सब डायलॉग्स होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आम सिचुएशन में फेस करने पड़ते हैं, सेम एज इट इज होता है. कोई इतना वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो इतना मुश्किल होगा. सिर्फ क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने चीजों, आपने जिस लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन सुनी है, आपने उसको अदर लैंग्वेज में इन द सेम वे उसका मीनिंग इंटरप्रेट करना है, मतलब आपने मीनिंग कन्वे करना है. यू आर नॉट बाउंड टू गिव वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. इट्स नॉट ट्रांसलेशन टेस्ट, इट्स इंटरप्रिटेशन टेस्ट. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपने मीनिंग एक्सप्लेन करना है, नॉट के आपने उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी है. ओके, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दो डायलॉग्स होते हैं, नॉर्मल उनकी लेंथ होती है अराउंड 300 to 350 वर्ड्स. देन 45 मार्क्स ईच डायलॉग, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया इज 29 प्लस 29 इज 58, लेकिन ओवरऑल पासिंग मार्क्स आर 63. सो अगर आप मिनिमम मार्क्स ले भी लेते हैं इन ईच डायलॉग, स्टिल यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट. आई ऑलवेज एक्सप्लेन कि अपना टारगेट हमेशा 30s में रखें, 32 मिनिमम ईच डायलॉग अगर आप लेंगे तो ओवरऑल आप इजीली अचीव कर लेंगे आप ओवरऑल पासिंग मार्क्स. ऑलराइट गाइस, इसके अलावा अगर आपको इसका मार्किंग क्राइटेरिया जानना है तो वो है डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम. डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम होता है कि आपका जब डायलॉग सुना जाएगा बाय इन्विटेटर, बाय एग्जामिनर, यू हैव फुल 45 मार्क्स एंड आफ्टर लिसनिंग टू ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट को सुनने के बाद आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपको डिडक्ट किए जाएंगे. इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक तो डिडक्ट होंगे, अगर नहीं मिस्टेक है तो नहीं डिडक्ट होंगे. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस थिंग कि अगर आपके जो छोटे सेगमेंट्स हैं उनको आप प्लीज 100% उसका दिया करें. फ्लुएंसी उसमें
उसमें मेमोरी का ज्यादा नहीं होता क्योंकि छोटा सेगमेंट है, उसमें आपको नोट्स टेकिंग इतनी नहीं रिक्वायर है कि मतलब दो वर्ड्स भी लिखनी है, दैट्स इनफ, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंट होना चाहिए, उसमें कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए जो भी कन्वे कर रहे हैं. तो मीन्स कि आप अपना उसमें सारे मार्क्स अपने सेव कर सकते हैं, कोई उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती. बाकी लेंथी सेगमेंट्स के लिए आई कैन अग्री के ओके कि मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं. चले आप पूरे डायलॉग में हम लेंथी सेगमेंट्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 to 5 वी कैन एक्सपेक्ट के बहुत लेंथी सेगमेंट्स होंगे, बट अदरवाइज बाकी नॉर्मल होंगे. मतलब जैसे एक बंदा दूसरे से बात करते हुए मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बात में दो पूछ सकता है, एक ही बात में एक दफा में या तो एक क्वेश्चन होता है या दो मैक्सिमम पूछ लेगा. तो आपको इतना इंफॉर्मेशन वी कैन रिटेन ओवर माइंड, हमें इसके लिए ज्यादा नोट्स टेकिंग की जरूरत नहीं होती. हाँ, किसी क्वेश्चन का जवाब लेंथी हो सकता है, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए उसका आंसर लेंथी हो सकता है. कोई अगर आपने कोई ऐसी टर्म पूछ ली है जिसका वो इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, वो लेंथी हो सकता है, ठीक है. लेकिन वो हर क्वेश्चन का आंसर इतना लेंथी नहीं हो सकता. ये इंटरप्रिटेशन टेस्ट में गुफ्तगू कुछ ऐसी ही होती है कि एक बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है, दूसरा उसको आंसर कर रहा होता है, ठीक है. सो क्वेश्चंस आर नॉट एज मच लेंथी, आंसर कुड बी लेंथी. मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि व्हेन एवर यू हैविंग द स्मॉल सेगमेंट्स, प्लीज आप उसको 100% देने की कोशिश करें. और उसमें आपका ये मोटिव होना चाहिए कि जो हमारे छोटे सेगमेंट्स हैं, शॉर्ट लेंथ सेगमेंट्स हैं, उनमें हमने फुल मार्क्स अपने रखने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी. नेगेटिव मार्किंग किन बेसिस पे होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है correctness of information, first thing is accuracy. ये तो obvious है, हर test में PT, NAT, IELTS किसी भी test में देख लें कि हमें जब भी हम information, अगर हम जैसे listening lecture है PT में, तो हमने वही information दोबारा हमें बोलनी होती है या लिखनी होती है. तो what's required actually कि हमने हमारी understanding क्या है, कि हमें उस information की समझ आई है कि नहीं आई, that is the accuracy. कि अगर आपने उसी ही इंफॉर्मेशन को दूसरी लैंग्वेज में कन्वे कर दिया है, मीन्स के आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज एंड यू कैन इंटरप्रेट इन अदर लैंग्वेज एज वेल. ओके, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एक्यूरेसी, सेकंड क्राइटेरिया इज डिस्टोर्शन, दैट इज ऑपोजिट ऑफ एक्यूरेसी, कि आपको इन्फॉर्मेशन सही से समझ नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है और उसकी वजह से इंफॉर्मेशन रॉन्ग है. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपने सुना कि ये दीज थिंग्स आर इलीगल इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आपने उसको इंटरप्रेट करते हुए कहा कि ये चीजें कानूनी है, नॉट इलीगल होता गैर कानूनी और लीगल होता है कानूनी, ठीक है. ये माइनर मिस्टेक्स हमें सुनने में कभी हो सकता है कि हो जाए, और इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी होता है कि समटाइम्स कुछ इंफॉर्मेशन सही से समझ नहीं आती. दिस विल कम अंडर डिस्टॉर्शन, कि आपने इंफॉर्मेशन सही से नहीं सुनी और आपने मिसप्रेजेंट कर दिया है इंफॉर्मेशन को. ऑलराइट, द थर्ड थिंग इज एडिशन. एडिशन इज द थिंग कि आपने अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन अननेसेसरीली उसको ऐड कर दिया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. और यस, यू कैन ऐड वर्ड्स, के जब हम अपना मीनिंग कन्वे करना होता है हमें कुछ वर्ड्स को एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा सेंटेंसेस ऐड नहीं कर सकते. कुछ पूरे पूरे जुमले हमने ऐड नहीं करने, कुछ लफ्ज हम कुछ अल्फाज ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये दिस इज एडिशन, कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी सेगमेंट में 4 जुमलों में उसने कोई बात कही है, तो आप कोशिश करें कि वो 4 जुमलों में ही आपने अपना अदर लैंग्वेज में आंसर कन्वे करना है. तो दिस इज एडिशन, अगर आप ऐसा कुछ एडिशन करेंगे दिस विल हैव नेगेटिव मार्किंग. तो ये मेजर मिस्टेक्स में आता है, आपने अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी. ऑलराइट, द फोर्थ थिंग इज omission, that is the most common mistake जो कि हमारे students कर जाते हैं और they think के okay जितनी information हमने write कर ली है या retain in our mind, that's enough. It's not enough. Omission is missing information, कि आपने कोई एक अंदर एक sentence miss कर दिया, या एक अपने अगर उसने 3 बातें कही हैं एक segment में, आपने 2 को interpret कर दिया, 3rd को you don't फील कि अच्छा चलो इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. हर चीज के लिए मार्क्स हैं, हर सेगमेंट के लिए मार्क्स हैं और हर सेगमेंट के हर सेंटेंस के लिए मार्क्स हैं. प्लीज कोशिश करें कि अगर आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी है तो उसको आप
मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास एक ऑप्शन है रिपीट ले लें. रिपीट मीन्स के यू कैन आस्क योर इन्विजिलेटर आई वॉन्ट टू लिसन दिस सेगमेंट अगेन एंड ही कैन प्ले इट फॉर यू अगेन. जब आपने अपना सेगमेंट सुना यू हैव टेकन योर नोट्स. नोट्स लेने के बाद आपको पता चल गया है कि कहीं इंफॉर्मेशन मिस हुई है बट स्टिल यू स्टार्टेड योर आंसर एंड इफ वेन एवर यू रियलाइज कि मुझे दोबारा सुनना है स्टॉप योर सेल्फ एंड से आई वॉन्ट टू टेक रिपीट फॉर दैट. डजंट मैटर कि आपने अपना आंसर बोलना स्टार्ट कर दिया था. ओके सो एक रिपीट आप ले सकते हैं इन ईच डायलॉग जिसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है हाँ, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम लेते हैं रिपीट सो इट विल बी नेगेटिव वन. थर्ड टाइम लेंगे अगेन नेगेटिव वन. फोर्थ टाइम लेंगे अगेन नेगेटिव वन. आप जितनी दफ़ा चाहें ले सकते हैं इसका. वो आपको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे कि नहीं हम आपको रिपीट नहीं देंगे. बस वो आपका नेगेटिव वन होता जाएगा. अगर आपकी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आई नो कि कोई भी इतनी ज़्यादा फोर दैट मच रेपिटेशन के लिए नहीं जाएगा. आप मैक्सिमम 3-4 रिपीट ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने मेजर इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपने मिस कर दी है. अगर आपने नंबर्स एड्रेसेस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम अगर आपको समझ आ गए हैं दैट्स वेल एंड गुड. ऑर्गेनाइजेशंस को आपको बिल्कुल भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है. जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है वीज़ास के नाम और कोई भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स के नेम है यू डोंट नीड टू इंटरप्रेट देम और आई मीन ट्रांसलेट देम. उनका आप करने की कोशिश नहीं. अगर आप कर देते हैं वेल एंड गुड. नहीं करते हैं दैट्स ओके कि आप उनको उसी तरह भी यूज कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि मेजर इन्फॉर्मेशन मिस हुई है फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस या कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है सो देन यू कैन गो फॉर रिपीट. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ठीक है. कॉन्टेक्ट नंबर स्पेशली करेक्ट होना चाहिए. जब भी आप कॉन्टैक्ट नंबर सुने फॉरगेट ऑल अदर थिंग्स जस्ट स्टार्ट दैट नंबर. क्योंकि नंबर आपके दिमाग में रिटेन नहीं करेगा कि अच्छा चलो मैं दोबारा मेरे दिमाग में है मैं लिख लूंगा. जैसे ही वो नंबर बोले आप सब इंफॉर्मेशन छोड़ें और वो नंबर लिखना शुरू करें ठीक है. एड्रेस भी इसी तरह. नेम्स अगर किसी डिपार्टमेंट के नेम जैसे कि ओके कैथी स्पीकिंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट अगर आपको समझ आ जाता है दैट्स वेल एंड गुड. अगर आपको समझ नहीं आता तो कोशिश करें कि उससे क्लोज टू जो नाम आपको समझ आया है वो बोल दें. सिर्फ एक नाम के लिए आपको रिपीट लेने की जरूरत नहीं है. ओके तो ये था पूरा पैटर्न कि एग्जाम किस तरह मार्क्ड किया जाता है एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है और एग्जाम में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ठीक है. आखिरी चीज़ फ्लुएंसी सबसे इम्पोर्टेंट है. आपने अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा पॉजेस लेते हैं या आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है. कॉन्फिडेंस आई कैन राइट इट फॉर यू आपको सिर्फ तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस सिर्फ एक दो दिन प्रैक्टिस करने से आपके टेस्ट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते. ओके आई एग्री जो जिन लोगों की जो जिनकी उर्दू स्पीकिंग बहुत अच्छी है. उर्दू स्पीकिंग का मतलब है जिनकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है. क्योंकि हम उर्दू बोलते हुए बहुत ज़्यादा इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जब हम वही वो मोस्ट कॉमन वर्ड्स ही होते हैं जब उनका हम मीनिंग ढूंढते हैं तो हम पॉजेस लेते हैं. सो दैट्स वाई कि इन चीज़ों पर अगर आप वर्क करेंगे थोड़ा सा इनको वर्कआउट कर लेंगे कि हम अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम उर्दू बोलते हैं उसको सिर्फ उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बोलें वी आर 50% प्रिपेयर कि हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है. क्योंकि हम सिर्फ तब ही पॉजेस लेंगे व्हेन वी विल थिंक अबाउट फॉर सम वर्ड कि इसका क्या मीनिंग है ठीक है. तभी पॉजेस लेंगे. तो कोशिश करें कि अपनी फ्लुएंसी अच्छी रखें. डेली आप जो भी उर्दू में जब बात करें तो अपने लफ्ज़ जो इंग्लिश के हैं उसका मीनिंग ज़रूर एक दफ़ा थिंक करें कि जो मैंने इंग्लिश का लफ्ज़ बोला है जो सोचा है उसको उर्दू में बोलें एंड देन कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन. और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है ठीक है. दूसरी चीज़ प्रैक्टिस. मैंने जैसे मेंशन किया इसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. आप बेशक खुद बैठ के प्रैक्टिस करें बेशक आप मेरे पास क्लास में आ जाएं बेशक आपको अगर कहीं और ट्यूशन लेनी है या वट एवर यू वॉन्ट बट डू इट ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस की अगर आप 4-6 weeks की प्रैक्टिस करेंगे तो जो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते एंड ऑफ द डे दे विल बी कॉन्फिडेंट. यस वी हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक दिस टेस्ट फ्लुएंटली वी कैन स्पीक
एंड वी विल नॉट. और अगर कुछ नेचुरल समटाइम्स होता है कुछ लोगों का, वो पॉजेस लेते हैं बोलते हुए, कुछ हिचकिचाते हैं यहाँ कहीं, मतलब अपने आप को रिपीट करते हैं, किसी वर्ड को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन. तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अपने पॉजेस को नेचुरल पॉइंट्स पे लेके आए. ठीक है, अगर एक जुमला बोला है, एक जुमले में कहीं थोड़ा सा आप सांस लेके यस वो करके थोड़ा सा फिर बाकी के जुमला बोल दें. ठीक है, बट ये सब भी प्रैक्टिस से होगा. फ्लुएंसी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पीटीई के टेस्ट में इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो फ्लुएंसी पे नो कॉम्प्रोमाइज. फ्लुएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नोट्स टेकिंग टेक्निक. जितने आपके नोट्स अच्छे होंगे उतना ही आप अच्छा बोलेंगे. और जब कुछ लिखा हुआ आपके सामने होता है तो आप बहुत इजीली बोल जाते हैं, मतलब आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस जो लिखा है उसके आपने बस ट्रांसलेट करना है एंड देन यू नीड टू. और अब हमें इतनी हमारी अच्छी है इंग्लिश, जो जिनके 6 बैंड्स हों या 6.5, 7, तो वो दे कैन मतलब क्विकली ट्रांसलेट और इंटरप्रेट इन अदर लैंग्वेज. ठीक है, सो नोट्स टेकिंग टेक्निक्स क्या है, मिनिमम 3 वर्ड्स जरूर प्रैक्टिस करें हर सेंटेंस के लिखने के. 2 लिख लेते हैं आप अच्छे हैं अंडरस्टैंडिंग में. 3 मैं इसलिए मेंशन करती हूँ कि इससे एक पूरे सेंटेंस की इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर आ जाती है. ठीक है, जब एक पूरे सेंटेंस की इंफॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट सेंटेंस की इंफॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरे पेपर पे होगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा मुझे पहले क्या बात करनी है, कोई लफ्ज मैंने मिस तो नहीं कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे सोच के तो नहीं बोलनी. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास पेपर पे आ गई है. यू जस्ट नीड टू रीड इट एंड जस्ट से इट. आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. और नोट टेकिंग टेक्निक के लिए आई ऑलवेज मेंशन कि हमेशा लाइन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में, सेकेंड सेंटेंस सेकेंड में, थर्ड में लिखें. और जहाँ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए लीव दैट स्पेस. और फिर आप जब रिपीट लें तो ओनली उस इन्फॉर्मेशन को फोकस करके वो नोट्स कंप्लीट करें और अपना आंसर स्टार्ट करें. और अगर आप को समझ नहीं आ रही किसी इन्फॉर्मेशन की, जस्ट राइट वट एवर द वर्ड्स यू अंडरस्टैंड, जस्ट राइट. कभी भी स्टॉप नहीं करना अपने नोट्स टेकिंग को, वो बस जगह छोड़ दें जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही, जो जो वर्ड समझ आ रहे हैं वो लिखते जाएं. एंड देन टेक रिपीट आफ्टर 3-4 सेकंड्स. उस इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी होगी उसमें से आपको 50% मैक्सिमम जरूर समझ आ गया होगा. और जब आप रिपीट लेंगे तब आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी समझ आ जाएगी. ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग जो होगा वो इंग्लिश एक्सेंट में ही होगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपको एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की ही आवाज़ आएगी जो इंग्लिश बोल रहा होगा. और उर्दू तो हमें समझ आ ही जाएगी. और उर्दू इतनी फ्लुएंट नहीं होती जितनी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी उसकी ज़्यादा होती है. उसके नोट चेकिंग थोड़ी मुश्किल होती है. उर्दू के नोट्स तो आप मैक्सिमम सारे भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम जितना भी बोलेंगे हमें उतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. हमें जो हम बोलते जाएंगे कितना मैक्सिमम कितना तेज हम उर्दू बोल लेंगे. ठीक है, तो वो डायलॉग्स में इतनी मैक्सिमम इतनी फ्लुएंट उर्दू नहीं होती. वो आप उर्दू के नोट्स यू कैन टेक इजीली. लेंथी जरूर हो सकते हैं. लेंथी के लिए यू शुड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मुश्किल होगी आपको. ओके, ऑल राइट गाइस, मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया इसका स्ट्रक्चर, नोट टेकिंग टेक्निक्स. एंड इन द लास्ट आपने टॉपिक्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, किन टॉपिक्स पे आपके पास वोकैबुलरी अवेलेबल होनी चाहिए, और उनको कैसे आपने हर टॉपिक से रिलेटेड आपने डायलॉग्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, सो बिजनेस, सोशल सर्विसेज, इंश्योरेंस, लीगल, इमिग्रेशन, हाउसिंग, हेल्थ, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बिजनेस. सो ये सब टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड डायलॉग्स आएंगे और इनसे रिलेटेड ही आपने वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है. अच्छा, वोकैबुलरी का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. वोकैबुलरी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हम जैसे उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के इस्तेमाल करके हम बोल देते हैं उर्दू, इसी तरह हम इंग्लिश में भी किसी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन
पाकिस्तान से आता है जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो उसको उर्दू इतनी आती है कि वो उर्दू में इंग्लिश के वर्ड्स जरूर यूज करके बोल देता है ना, तो वो वर्ड्स यू वी कॉन्ट कंसिडर इन वोकैबुलरी मिस्टेक्स, कि वो जो एक नॉर्मल कॉमन मैन को भी इंग्लिश के वर्ड समझ आ जाते हैं वो ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, दिस विल नॉट कम अंडर वोकैबुलरी, लेकिन कोशिश करें कि जितने आप मैक्सिमम उर्दू अच्छी बोल सकते हैं बोलें। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपने ज़रूर ही बोलना है, क्योंकि वो उस उर्दू स्पीकिंग को वो इंग्लिश का वर्ड नहीं आता होगा, ठीक है, कॉमन वर्ड्स यू कैन यूज़, तो उस तरह के वर्ड्स जो उसको नहीं आते होंगे वो आपके वोकैबुलरी मिस्टेक्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन इन द एग्जाम अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो व्हाट्स द ऑप्शन, नोबडी इज गोना गिव यू डिक्शनरी कि ये लो इसका मीनिंग फाइंड करो, एंड यू कैन डू नो फोन्स आर अलाउड, तो प्लीज़ आप फिर क्या कर सकते हैं, वही वर्ड आपने उसी तरह यूटिलाइज करना है एंड देन से इट, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई आपके पास, ठीक है, तो वो आपको उस तरह फिर इन द एंड आपको वही बोलना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें अच्छी अपनी वोकैबुलरी रखें, वोकैबुलरी लिस्ट उसको याद करें डेली बेसिस पे, पढ़ते जाएं उसको। इसके अलावा भी कुछ माइनर क्राइटेरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ करेक्शन कर रहे हैं, पॉजेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इन बेसिस पे भी वो मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो जब इफ़ समवन्स फेल्स एग्जाम अनफॉर्चुनेटली, तो उसके साथ पूरी लिस्ट वो भेज देते हैं कि ये दीज बेसिस हमने आपके मार्क्स डिडक्ट किए हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर फेल इन द एग्जाम, सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, बट इफ़ यू पास देन नथिंग इज एक्सप्लेन, वो बस आप उस पर खुश हो जाते हैं, जी हमारे पास हो गया टेस्ट, तो व्हाई यू बोदर टू नो कि कौन सी हमारी मिस्टेक हुई थी और कौन सी नहीं। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द टेस्ट। टुडे वी विल अगेन प्रैक्टिस सम टेस्ट, और कोशिश करते हैं कि आज हम कुछ वोकैबुलरी भी डिस्कस करें। वोकैबुलरी मेरे पास कुछ जो जनरल वोकैबुलरी, मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ कि ये अगर आप इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे तो 50% आपका आपकी हो जाएगी तैयारी, मतलब फॉर वोकैबुलरी। बट व्हाट आई एम सेइंग के इफ़ यू नीड दिस वोकैबुलरी और एनी मटेरियल, प्लीज़ कम इन द क्लास, जॉइन मी एवरी संडे 11 से 1 बजे। CECA इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फ्री नॉटी CCL उर्दू क्लासेस, बट देयर्स अदर लॉट ऑफ सर्विस, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो आपका फ्री स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड होगा। If you want to change your course or college, yes, cheapest health covers for visitors and students, and free 485 visa application, free PTE and IELTS classes, free NATI classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi, and of course Urdu, and Canadian immigration ke liye, if you want to assess your profile, yes, we have the experts for Canadian immigration, जो कि आजकल काफ़ी इन है, जो because it's getting very hard to get immigration in Australia. So yes, you can assess your profile for that Canadian immigration. अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है, अपना कॉलेज चेंज करना है, which can leads towards you to your PR pathway, yes, you can contact us, you can call us, you can email us, you can physically visit our office, or in the last, if you can also contact us through Facebook or Messenger. You will be responded as quickly as possible. All right, guys, now let's start a dialogue and then we will discuss few words for the vocabulary. Okay, let me open the dialogue. Ki aaj hum kaun sa topic karenge dialogue ke liye. All right, guys, so the topic for the today's dialogue is workplace harassment. Sometimes you might face these issues at workplace के आपको कुछ racist और work pressure, और sometimes के आपको proper breaks, whatever the workplace issues, you there is a procedure, आप complain कर सकते हैं और फिर उसके according आपका आपको treat किया जाता है, मतलब workplace safety provide की जाती है, ठीक है। So today's topic is related to this issue. Let's listen, take notes, and then I will interpret, and I will also discuss ke hum kaise best answer de sakte hain iske liye. Okay. So the first segment is
Hi, Mr. Raza. My name is Jenny Roberts. I am an officer here. I read your email regarding the problems you are facing at your workplace. Please tell me in detail. Facing at workplace? Tell me in details. All right. So these are the notes I have taken in four lines. Sabse pehle usne kaha, hello, Mr. Raza. I have just written Raza. Then she told her name, Jenny Roberts. And I'm officer here. I just write off. आपने बिल्कुल बस ना वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे बस पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको पॉइंट याद रहे कि क्या क्या बोला था उसने. ठीक है. सो आई रेड योर ईमेल रिगार्डिंग द वर्क प्लेस इश्यूज एंड प्लीज टेल मी इन डिटेल. ठीक है, यही चार बातें उसने पूछी हैं और हमने इसी को ही इंटरप्रेट करना. ओके, तो क्या इसका आंसर होगा? हेलो मिस्टर रोजा, मेरा नाम जेनी रॉबर्ट्स है. मैं यहाँ एक ऑफिसर हूँ. मैंने आपकी इस ईमेल में आपके काम की जगह के बारे में जो मसाइल हैं वो पढ़ा. बराए मेहरबानी मुझे तफसील से बताएं. ये आप कह सकते हैं कि मैंने आपकी ईमेल पढ़ी जिसमें आपने अपने काम की जगह पे जो आपको मसाइल पेश आ रहे हैं उनका जिक्र किया. आप प्लीज़ मुझे मेहरबानी करके आप मुझे तफसील से बताएं. प्लीज मीन्स बराए मेहरबानी आप मुझे तफसील से बताएं. प्लीज और सॉरी के वर्ड्स का जरूर आपने मीनिंग बोलना है. ओके, तो एज आई मेंशनड अर्लियर कि आपने सिर्फ मीनिंग कन्वे करना है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी कि मैंने आपकी ईमेल पढ़ी जिसमें आपने अपने काम की जगह के बारे में पेश आने वाले मसाइल के बारे में जिक्र किया. ठीक है, इस तरह की ट्रांसलेशन नहीं चाहिए. सिंपल आपको एक बात समझ आ गई है, उसने वो ईमेल पढ़ी जिसमें उसने अपने काम की जगह पर पेश आने वाले मसाइल का तذکرہ किया. प्राय मेहरबानी मुझे तफसील से बताएं. दैट्स इट. ओके, सो जो भी आपको इंफॉर्मेशन समझ आई है उसके अकॉर्डिंग आपने मीनिंग कन्वे करना है और दैट्स डन. हेलो मिस्टर रजा, मेरा नाम जेनी रॉबर्ट्स है. मैं यहाँ एक ऑफिसर हूँ. मैंने आपकी ईमेल पढ़ी जिसमें आपने अपने काम की जगह पर पेश आने वाले मसाइल का जिक्र किया. बराए मेहरबानी मुझे तफसील से बताएं. ये फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब आप ये फ्लुएंसी तभी बोल सकते हैं जब आपके पास दिस मच इंफॉर्मेशन इज रिटन. और ऐसी राइटिंग प्लीज होनी चाहिए कि आप अपनी ही हैंड राइटिंग को रीड कर सकें. अगर आपने नोट्स तो लिख ली हैं और खुद ही आपसे रीड नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली यू विल टेक पॉज, यू विल थिंक कि मैंने लिखा क्या है एक्चुअली. ठीक है, तो थोड़े से नीट नोट्स होने चाहिए जो कि आप खुद उनको रीड कर सकें. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. शुक्रिया जेनी, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए. मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और इसकी वजह से मैं बहुत मायूस हूँ. मुसीबत में हूँ और मायूस हूँ. थैंक यू जेनी फॉर कॉलिंग मी हेयर टुडे. आई एम इन बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट. आई एम वेरी डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड होता है मायूस होना. थैंक्स फॉर कॉलिंग, मुझे बुलाने के लिए. आई एम इन बिग ट्रबल, मुसीबत में हूँ. एंड डिप्रेस होता है मायूस होना. ठीक है, सो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपने नोट्स लिखे हैं जस्ट टेक टू टू थ्री मिनट्स, सॉरी मिनट्स, सेकेंड्स पॉज. वो एक हर सेगमेंट के बाद एक टू टू थ्री सेकेंड लॉन्ग एक डीप होती है जिसमें आपके पास टाइम होता है इंफॉर्मेशन जल्दी से ख़त्म करके अपना आंसर फिर स्टार्ट करें. ठीक है, सो जितनी जल्दी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे मींस के जो माइंड में इंफॉर्मेशन रिटेन है वो क्विकली आपकी जुबान पे आ जाएगी और उतना ही आप फ्लुएंट होंगे. ठीक है, सो कोशिश करें कि कम से कम सोचें और ज्यादा बोलने पे फोकस करें और लिखे हुए को बोलने पे फोकस करें. ओके, थैंक यू जेनी फॉर कॉलिंग मी हेयर टुडे. आई एम इन बिग ट्रबल एंड बिकॉज ऑफ दिस आई एम वेरी डिप्रेस्ड. ठीक है, यू माइट हैव नोटिस कि पहला सेगमेंट कुछ लंबा था. ठीक है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कुछ सेगमेंट्स लंबे होंगे कुछ छोटे होंगे. अब इतना छोटे सेगमेंट के लिए देयर शुडंट बी एनी केस के एग्जामिनर का आपका कोई मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट करने का मौका मिले. ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, कोई वोकैबुलरी वर्ड नहीं है. वही कॉमन वर्ड, वही कॉमन जो लैंग्वेज हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं दैट वही है. ठीक है,
तो अब अगर इस सेगमेंट में आपके वो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करता और आपके 45 स्टिल चल रहे हैं, 45 आउट ऑफ 45, तो उसने आपके कोई राइटिंग के मार्क्स नहीं काटने. वो होता है ना कि हमारे उर्दू में हैंड राइटिंग के मार्क्स तो मस्ट होता है ना, डिडक्ट करने हैं. यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है. जो आपने फ्लुएंटली कुछ बोल दिया है, कुछ मिस्टेक नहीं है, देयर इज नो वे कि कोई आपके मार्क्स डिडक्ट कर सके. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. It's sad to hear that. As you mentioned in the email that your employer has been forcing you to work more than the designated hours, does he know your visa status? Designated hours, know your visa status. वीज़ा स्टेटस होता है वीज़ा की हैसियत, ठीक है. जैसे वीज़ा के अकॉर्डिंग हमें कुछ टाइम फीस, स्टूडेंट वीज़ा पे स्पेशली 20 आवर्स अलाउड होते हैं काम करने के लिए, ठीक है. तो ओके, डेजिग्नेटेड होता है, डेजिग्नेटेड मतलब मुकर्रर कर देना किसी चीज़ को, ठीक है. डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है कि ये इस पोस्ट पे मुकर्रर कर दिया गया है. तो इसी तरह डेजिग्नेटेड आवर्स होते हैं कि इतने आवर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं इस वीजे की हैसियत के लिए, ठीक है. ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ. जैसा कि आपने ईमेल में जिक्र किया है कि आपका आजिर आपको मुकर्रर करता घंटों से ज्यादा काम करने पे मजबूर करता है, तो क्या वो आपके वीजे की हैसियत जानता है? फोर्स होता है मजबूर करना, मेंशन जिक्र करना, कि आपने अपनी ईमेल में जैसे मेंशन किया था. एम्प्लॉयर, आजिर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वोकैबुलरी वर्ड है, इसको जरूर आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है. एम्प्लॉयर आजिर होता है, एम्प्लॉई काम करने वाला, मुलाजिम. डेजिग्नेटेड आवर्स मुकर्रर करता घंटे. ओह, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ. जैसा कि आपने ईमेल में जिक्र किया है कि आपका आजिर आपको मुकर्रर करदा घंटों से ज्यादा काम करने पे मजबूर कर रहा है, तो क्या वो आपके वीजा की हैसियत जानता है? दिस इज द आंसर. एंड इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे आजिर, मुकर्रर करदा घंटे. नाउ यू कैन सी कि कितनी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है. अगर आपको इनके मीनिंग नहीं आएंगे और आप ऐसे ही बोल देंगे कि जैसे कि आपने ईमेल में मेंशन किया कि आपका एम्प्लॉयर आपको डेजिग्नेटेड आवर्स से ज्यादा काम करने पे मजबूर कर रहा है, सो क्या वो आपका वीजा स्टेटस जानता है, ठीक है. बात तो कर दी आपने, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा वोकैबुलरी आप मिस कर रहे हैं और इतने ही ज्यादा आप हमेशा जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल उर्दू बोलेंगे, तो दैट विल नॉट वर्क. यहाँ पे वोकैबुलरी के मार्क्स डिडक्ट जरूर होंगे, ठीक है. इसलिए मैं कहती हूँ वोकैबुलरी इज इम्पोर्टेंट, हाँ, लेकिन जब इन द एंड यू डोंट नो, तो फिर अगर आपको इसमें से अगर पांच में से अगर चार के वर्ड्स मीनिंग आते हैं, एक का मीनिंग नहीं आता, तो देन इट कैन वर्क, ठीक है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. लेकिन अगर आप सारे के सारे वर्ड्स ही इंग्लिश में बोलते जाएंगे, एम्प्लॉयर, डेजिग्नेटेड आवर्स, वीजा स्टेटस, देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है. फिर आपके वोकैबुलरी के मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे. Hopefully you understood this thing. It is important. और इस ये सिर्फ तभी आती है जब आप daily basis पे vocabulary की practice करेंगे. Means के आप daily basis पे vocabulary पढ़ें, वो words जो आप उर्दू बोलते हुए mostly use करते हैं English के, उनको अपने आप को stop करें, think करें कि इसका क्या meaning है, फिर वो बोलना शुरू करें. और ज़रूर किसी के साथ मिलके vocabulary की practice करें जो आपसे word पूछे और आप फौरन उसका answer दें, ठीक है. All right. Okay, let's move to the next segment. जी हाँ, मैंने उनको बताया कि मैं तालिबान वीजा पर हूँ और मैं हफ्ते में 20 से ज़ायद घंटे काम नहीं कर सकता. फिर भी वो मुझे ज्यादा काम करने पर मजबूर कर रहा है. ज्यादा काम करने पर मजबूर. Compel or force is the word for मजबूर. Yes, I told him that I am on student visa. I cannot work more than 20 hours a week, but still he is forcing me to work more. अब देखें इसमें क्या कोई नई information है, ये तो हमें पता ही है. मतलब ये हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा. मतलब we are on student visa, we have been on student visa. मतलब इस situation से we have been going through, तो हमें पता है कि क्या बात है. ये हमारे ही अंदर की भी बात है, हमें इस information का पता है. तो notes even we haven't taken, but लेकिन don't miss the notes ever.
आपको नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कौन सी नहीं है, ठीक है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन स्मॉल है और कौन सी लॉन्ग है, ठीक है. इफ इट इज लेंथी यू हैव टू राइट. सो ऑलवेज टेक नोट्स, इवन इट इज स्मॉल सेगमेंट और लॉन्ग सेगमेंट्स, आपने नोट्स लेने ही लेने हैं. ओके, यस आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया है कि मैं स्टूडेंट वीजे पर हूँ. सॉरी, इंग्लिश में करना. Yes, I told him that I am on student visa and I cannot work more than 20 hours a week. Still, he is forcing me to work more. All right, let's move to the next segment. Okay, I understand. Is he also being racially abusive to you as well? Or is it just about the work hours? About work hours. Okay. Also racially abusive. Hello. Okay, no one is here. Okay, so okay, I understand. Is he also racially abusive to you as well, or it's just about work hours? Racially होता है नस्ल प्रस्ती, racial racism होता है ना, नस्ल प्रस्त. Racially abusive, नस्ल प्रस्ती की बुनियाद पर बदसलूकी करना, abusive होना, बदसलूकी करना, और it is just about the work hours, क्या ये सिर्फ काम के घंटों की बात है? अंडरस्टैंड, समझती हूँ. रेशियल, नस्ल प्रस्ती, रेसिज्म, नस्ल प्रस्ती, रेशियली एब्यूसिव, नस्ल प्रस्ती की बुनियाद पर बदसलूकी करना, और इट्स अबाउट जस्ट वर्क आवर्स, क्या यह सिर्फ काम के घंटों के बारे में है? ठीक है, मैं समझती हूँ. क्या वो आपके साथ नस्ल प्रस्ती की बुनियाद पर भी बदसलूकी करता है या सिर्फ ये काम के घंटों की बात है? ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सेगमेंट. अगेन, इट्स नॉट लेंथी, सिर्फ वोकैबुलरी है इसमें. रेशियली अब्यूसिव, नस्ल प्रस्ती की बुनियाद पर बदसलूकी करना, वर्क आवर्स, काम के घंटे, दैट्स इट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. वो मुझसे कोई खास नस्ली बदसलूकी नहीं करता, लेकिन हाँ, वो यकीनी तौर पर उन लोगों की तरफदारी करता है जो उसकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें काम के लिए कम दबाव देता है. जो उसकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और काम के लिए कम दबाव देता है. दबाव होता है प्रेशराइज करना. नस्ली बदसलूकी, अगेन ही ऑलरेडी मेंशन्ड, रेशियली अब्यूसिव. He is not racially abusive as such, but he certainly favors other people who belongs to his community and pressurize them less for work. और उन्हें काम के लिए कम दबाव देता है. Pressurize होता है दबाव देना, less कम for work. Guys, please एक चीज को understand आपने जरूर करना है कि fluency is very important. जब भी अपना answer start करें, it should be loud and clear. आपका आंसर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई एग्जामिनर डायरेक्टली आपका सुन नहीं रहा, ठीक है? तो मींस के वो आपका रिकॉर्डेड जो आंसर है वो रिपीट करके भी सुन सकता है, ठीक है, अगर उसको एक दफा समझ नहीं आई. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा, उसको पहली दफा में ही अगर आपकी समझ नहीं आई, ही मस्ट डिडक्ट योर मार्क्स. ओके, सो बी केयरफुल. अपना आंसर हमेशा लाउड एंड क्लियर रखना है आपने, ठीक है? Okay, so I'll say it again. He doesn't abuse me as much, but yes, he certainly favors other people who belongs to his community and pressurize them less for work. All right. Community का मतलब ऐसे तबका होता है, but as he already said this word in Urdu, उसने उर्दू बोलते हुए community का word use किया है, तो हमें फिर अब सोचने की जरूरत ही नहीं है. Okay. So now let's move to the next segment. Okay, so this is a kind of racism.
he cannot treat you differently from other workers, and also he cannot make you work longer hours. Treat you differently from other workers and for longer hours. कि दो बातें उसने की हैं कि वो तुम्हें दूसरे वर्कर्स से मुख्तलिफ नहीं ट्रीट कर सकता और ज्यादा काम करने पे लंबे घंटों तक काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन मुझे समझ आ गई. आई हैव टेकन नोट्स. सोचना नहीं है, 2-3 seconds पॉज लें एंड गिव योर आंसर. जितना आप लॉन्ग कर देंगे ना उतनी ये रिटन इन्फॉर्मेशन भी निकल जाएगी आपके माइंड से और आप उतना फिर आप उतने ज्यादा पॉजेस भी लेंगे. ठीक है, ये भी एक किस्म की नस्ल परस्ती है. वो आपको दूसरे मुलाजमों से मुख्तलिफ नहीं ट्रीट कर सकता और आपको तवील घंटों तक काम नहीं करा सकता. अब आई हैव यूज द वर्ड्स. सो अगर मुझे अब लगता है कि मैंने कुछ पॉजेस लिए हैं, आई कैन करेक्ट माई सेल्फ. यस यू कैन डू. यू कैन से सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ. ठीक है, ये भी एक किस्म की नस्ल परस्ती है. वो आपको दूसरे मुलाजमों से मुख्तलिफ बर्ताव नहीं कर सकता और वो आपको तवील घंटों तक काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता. ठीक है, तो आपका जो सॉरी से पहले जो आपने बोला है दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड. वो आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा. सॉरी के बाद वाले को वो कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे. लेकिन यू कैन करेक्ट योर सेल्फ ट्वाइस और थ्राइस, नॉट मोर देन ट्वाइस, क्योंकि इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं होता. हाँ, एक या दो दफ़ा अगर आप करना चाहें तो कर लें. देखें, आपके पास रिपीट का ऑप्शन भी है. मींस कि जब आप इंफॉर्मेशन समझ नहीं आई, यू कैन लिसन इट अगेन. फिर आपके पास अपने सेल्फ करेक्शन का ऑप्शन भी है वंस और ट्वाइस. ठीक है, तो लेकिन प्लीज़ डोंट यूज इट टू मच. एक या दो दफ़ा करें, देन दैट्स इट. वो भी ऐसे लगता है कि समटाइम्स होता है ना, आपका नेचुरली आपको पता है कि इसका क्या था, लेकिन मुँह से कुछ निकल गया, जैसे ट्रीट मेरे से निकल गया. हालांकि उसका मतलब है बर्ताव करना, सलूक करना. ठीक है, वो आपसे दूसरे मुलाजमों से मुख्तलिफ सलूक नहीं कर सकता और वो आपको लंबे घंटों के लिए काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता. तो देन यू कैन करेक्ट योर सेल्फ. अदरवाइज सेल्फ करेक्शन जरूरी नहीं है. हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा पॉजेस लेके अपना आंसर कुछ खराब कर दिया है, देन यू डू इट कि आपको लगे कि हाँ, अगर मैं दोबारा बोलूंगा तो मेरा आंसर ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, I hope you guys understood this one. Let's move to the next segment. All right, next. Jenny, इस सूरत-ए-हाल से बाहर निकलने के लिए मेरी मदद करें. मेरी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि मैं इस बारे में सोचता रहता हूँ और मैं ये नौकरी भी नहीं खोना चाहता. सोचता रहता हूँ, नौकरी भी नहीं खोना चाहता. जेनी, प्लीज हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. माई हेल्थ इज गेटिंग वर्स बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज दिस जॉब. जो पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट आई हैव इंटरप्रेटेड देम. जेनी, इस सूरत हाल से बाहर निकलने में मदद. तबीयत खराब, सोचता रहता हूँ एंड नौकरी भी नहीं खोना चाहता. ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि इतना अगर आपकी इतनी तो हमारी मतलब होती है अच्छी इंग्लिश कि हम उसको क्विकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. ऑल राइट, सो आई होप दिस वन इज क्लियर. जेनी, प्लीज हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. माई हेल्थ इज डिटियोरेटिंग. ये भी तबीयत खराब होना और माई हेल्थ इज, इफ यू वॉन्ट टू कीप इट सिंपल, My health is getting worse because I keep thinking about this and I also don't want to lose this job. So this is the answer for this segment. Okay. So let's move to the next segment. Don't worry, I have noted down all the points and we will take strict action against your employer. Can you please tell me all the details of the employer, his name, address? फिकर नहीं करें, मैंने तमाम नुकात को नोट कर लिया है और हम आपके आदिल के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे. क्या आप मुझे ब्राह करम अपने आदिल की तमाम तफसीलात दे सकते हैं? इसका नाम, पता, नेम और एड्रेस. नाम, पता, ठीक है.
मोस्टली नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ ये इकट्ठे आते हैं, जैसे नाम पता तारीख पैदाइश, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को फिंगर टिप्स पे रखें, ठीक है, नेम एड्रेस नाम पता। नोटेड ऑल द पॉइंट्स, तमाम नुकात को लिख लिया है या नोट कर लिया है। हम आपके एम्प्लॉयर आजिर या मालिक, हम आपके आजिर या मालिक, मालिक का वर्ड भी ठीक है और आजिर भी ठीक है। हम आपके आजिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और बराए मेहरबानी मुझे अपने आजिर की तमाम तफसीलात दें, इसका नाम पता। पॉइंट्स नुकात, स्ट्रिक्ट एक्शन सख्त कार्रवाई, अगेंस्ट खिलाफ एम्प्लॉयर आजिर, डिटेल्स तफसीलात, हिज नेम एड्रेस नाम पता। आई एम गोना से आंसर अगेन, फिक्र नहीं करें, मैंने तमाम नुकात को नोट कर लिया है और हम आपके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या आप बराए करम मुझे अपने मालिक की तमाम तफसीलात दे सकते हैं, इसका नाम पता। आप तमाम तफसीलात को नोट कर सकती हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा आजिर अब मुझे ज्यादा घंटे काम करने को नहीं बोलेगा क्योंकि मैं किसी भी कानून को तोड़ना नहीं चाहता। Yes, you can note down all the details. I hope now my employer won't ask me to work for longer hours because I don't want to break any law. कानून को तोड़ना, break any law. Work for longer hours, ज़्यादा घंटे काम करना, आजिर, employer. You can note down all details. ठीक है, अब इसने यहाँ पे कोई डिटेल्स मेंशन नहीं की, लेकिन मोस्टली आप एक्सपेक्ट किया करें जब क्वेश्चन में वो नाम पता और एड्रेस या फोन नंबर पूछें तो एक्सपेक्ट किया करें आंसर यही होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है बट मोस्टली यही होता है कि आंसर में वो सारी तफसीलात देता है इन द डायलॉग टू अटेस्ट यू गाइस कि आप कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन नोट कर पाते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस डायलॉग एंड्स हियर, इस यहाँ पे खत्म हुआ ये डायलॉग। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड, सॉरी फर्स्ट पहले इस टेस्ट से रिलेटेड, सो यू कैन ज्वाइन मी एवरी संडे 11 से 1 बजे तक मैं लाइव क्लास सेशन लेती हूँ। और आपका वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, प्लीज कंसीडर CECS सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है, फ्री एक्सटेंशन, ऑर्गेनाइज ओवरसीज हेल्थ कवर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स, चीपेस्ट हेल्थ कवर्स एंड फ्री वीजा एप्लीकेशन फॉर 485 वीजा। इसके अलावा अगर आपको PTE एंड IELTS क्लासेस चाहिए, यू कैन गेट एक्सेस टू द लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगेन, फोर लैंग्वेजेस की फ्री क्लासेस, नाटी, CCL, उर्दू, हिंदी, नेपाली एंड पंजाबी। अगर आपने कैनेडा की इमिग्रेशन को कंसिडर करना है, अगेन आपको फ्री असेसमेंट आपकी प्रोफाइल की कर दी जाएगी। और अगर आपने अपना कॉलेज, अपना कोर्स चेंज करना है विच कैन लीड यू टूवर्ड्स अ PR पाथ पे, अगेन CECA की सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपका कोई भी वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू ईमेल, थ्रू फोन एंड बाय फिजिकली विजिटिंग अवर ऑफिसेज। और इसके अलावा फेसबुक पे भी आप मैसेंजर के थ्रू और किसी भी पोस्ट के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Alright guys, I hope कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इसके आपको क्लास के वोकैबुलरी के कोई भी इश्यूज हैं, कम इन द क्लास 11 से 1 बजे एवरी संडे। आई एम हेयर, आई कैन हेल्प यू, आई कैन असेस यू, आई कैन टेल यू हाउ मच यू नीड टू प्रोग्रेस इन प्रेपरेशन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने साथ रहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट क्लास संडे एंड एक नए टॉपिक के साथ, अगेन विद द सेम स्ट्रक्चर डिटेल्स, क्योंकि टेस्ट का स्ट्रक्चर डिटेल्स चेंज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसके टॉपिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।